बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्यू टीवी से एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हाज़िर हूँ आप लोग के साथ। आज बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आपके साथ आया हूँ, जिसको सुनकर मैं ख़ुद भी बहुत हंस रहा था। और एक वर्ड है जिसे कहा जाता है कि जनाब अपने काम से काम रखें। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो अपने काम से काम रखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ना उनकी ये कोशिश होती है कि हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, और ना ही किसी की वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुर्ज हमल एरीज की। तो एरीज वाले यकीनन अपने काम से काम रखते हैं, कभी भी किसी की लाइफ में अपनी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। और जब तक इनको ये ना लगे कि किसी दूसरे की वजह से इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या परेशानी है, अपने आप को बचाने की हद तक ये दूसरों की लाइफ में ज़रूर इंटरफेयर करते हैं। फिर इसके बाद टॉरस वालों को देखें, तो जनाब टॉरस वाले जो हैं ये अपने काम से काम बिल्कुल नहीं रखते। इनको दूसरों के बारे में जानने का, उनके बारे में ये ख्वाहिश होती है कि वो क्या कर रहे हैं, या यूं कह लें कि गॉसिप करने का बड़ा शौक़ होता है। तो इसीलिए ये अपने काम से काम कम रखते हैं, और दूसरों के काम से जो मतलब है वो इनको ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जेमिनी की। तो जेमिनी वाले लोग, ये लोग भी वक्त और माहौल देखकर अपने काम से काम रखते हैं, अदरवाइज़ ये कभी भी मौका नहीं हाथ से जाने देते कि दूसरों के बारे में हम जाने। चूँकि इनके अंदर ये एलिमेंट पाया गया है कि दुनिया की इंफॉर्मेशन, लोगों की इंफॉर्मेशन, मोहल्ले की, घर में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कैंसेरियंस की। तो कैंसेरियंस वाले ये हमेशा अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। अगर इनको लगे कि लाइफ में कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात जिसको ये अना का मसला बना लें, तो फिर ये रिटेलिएट करते हैं, थोड़ा सा ज़िद में आकर जो है वो अपने से अपना काम रखने को छोड़कर दूसरों के काम से ज़्यादा मतलब रखते हैं। अदरवाइज़ 90% यही देखा गया है कि ये कभी भी किसी को तंग या डिस्टर्ब नहीं करते। फिर इसके बाद लियोज़ को देखें, तो जनाब लियोज़ वाले जो हैं ये अपने काम से काम बिल्कुल रखते हैं, लेकिन इनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि इनके इर्द गिर्द और इनकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है वो एटलीस्ट जानने की हद तक इनको ज़रूर पता हो, चाहे ये किसी को तंग करें या ना करें, लेकिन इंफॉर्मेशन और नॉलेज की हद तक ये ज़रूर दूसरों की खबरें अपने तक रखते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वर्गोस की। तो वर्गोस वाले जनाब ये लोग भी अपने काम से काम रखते हैं, कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन अगर कभी इनको ये नज़र आ जाए या ये सुन ले कि इनके बारे में किसी ने कुछ गलत कहा है, तो फिर आप यकीन जानिए कि दूसरे शख्स की ज़िंदगी में बौचाल आ जाता है, उसको ये इतना ज़्यादा तंग भी करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रास की। तो लिब्रास वाले लोग, ये लोग अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन अगर इनके काम में कोई प्रॉब्लम या रुकावट डालने की कोई कोशिश करे, तो फिर ये माहौल को देखते हुए कुछ ऐसी प्लानिंग्स करते हैं कि दूसरों की लाइफ में ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं कभी कभी। तो लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी जो है डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो वाले जनाब ये बिल्कुल अपने काम से काम रखते हैं, और इनको कभी भी ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन इनकी लाइफ में फेजेज़ आते हैं एज के हिसाब से। अगर ये 20 साल से छोटे हैं तो फिर ये अपने काम से काम नहीं रखते, बल्कि दूसरों का काम जो है वो इनके लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। लेकिन 20 साल की एज के बाद इनकी लाइफ में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं कि ये इतना बॉदर नहीं करते कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज कॉस की, सजिटेरियंस की। तो जनाब ये अपने काम से काम रखते हुए दूसरों के बारे में इस हद तक जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि अगर कहीं पे किसी को हमारी ज़रूरत है हेल्प की, तो हम अपनी जो मदद है या अपना तावुन जो है उनको पेश करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। फिर इसके बाद देखते हैं कैप्रिकॉन्स को। तो कैप्रिकॉन्स वाले जनाब ये बिल्कुल भी अपने काम से काम नहीं रखते, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर मैं कैटेगरीज में नंबर 1 देखूं, तो कैप्रिकॉन वाले ऐसे हैं जो अपने काम से काम बिल्कुल नहीं रखते, और हमेशा इनकी ये ख्वाहिश होती है कि इनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है और क्या खबरें चल रही हैं, या इनको अगर एक वर्ड है स्कूबी डू का नाम भी हम दे सकते हैं, या छोटे जासूस भी कहा जा सकता है इनको। फिर उसके बाद देखते हैं कि एक्वेरियस वाले, बुर्ज दल वाले लोग।
तो जनाब ये अपने काम से काम रखते हैं और दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन कभी कभी 50% इनकी दिलचस्पी होती है कि इनके आसपास क्या हो रहा है, सुनने की हद तक ज़रूर ये दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं पाइसिस वालों को, तो पाइसिस वाले लोग अपने काम से काम रखते हैं, कभी भी किसी की लाइफ में को प्रॉब्लम्स पैदा नहीं करते, बल्कि इनकी लाइफ में अक्सर ये देखा गया है कि दूसरों की वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर नाउमीदी और मायूसी की कैफियत पाई जाती है, या यूं कह लें कि दूसरों को ये हमेशा कहते हुए नज़र आते हैं कि जनाब आप अपने काम से काम रखें, आपको हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब ये इल्मे नजूम की रोशनी में एक जनरल एनालिसिस था, और इसका कतन ये मकसद नहीं है कि आप हर किसी को कहते फिरें कि जनाब आप अपने काम से काम रखें और इसको नॉलेज की हद तक और इन्फॉर्मेशन की हद तक लें, और अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, दोस्तों को वही इज़्ज़त और मुकाम दें जो उनको देना चाहिए। इंशाल्लाह ताला किसी नई वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।